हेलो फ्रेंड्स, आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की बात हर किसी की जुबान पर है। आखिर कौन है विराट और कैसे पहुंचे यहां तक, आज हम यही बताने वाले हैं। दिल्ली में हुआ विराट का जन्म। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ है। उनके पिता प्रेम कोहली वकील और माता सरोज गृहिणी हैं। विराट के एक बड़े भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना भी हैं। विराट दिल्ली उत्तम नगर में पले बड़े हैं, वहीं पर एक पब्लिक स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल की है। 7 साल की उम्र में शुरू हुई ट्रेनिंग। बात 1998 की है, इसी साल पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी बनी थी और 9 साल के विराट ने इसी साल इसमें दाखिला ले लिया था। विराट बचपन से ही क्रिकेट के अलावा पढ़ाई में भी होनहार रहे हैं। 18 दिसंबर 2006 को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनके पिता का निधन हो गया। एक बार एक इंटरव्यू में विराट ने कहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, मैंने युवा दिनों में ही अपने पिता को खो दिया, जिससे पारिवारिक व्यापार भी डगमगा गया था। इस वजह से मुझे किराए के कमरे में भी रहना पड़ा। यह समय मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी मुश्किल भरा था। बचपन से ही क्रिकेट प्रशिक्षण में पिता ने सहायता की थी। मेरे पिता ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थे। विराट कोहली, क्रिकेट और रिकॉर्ड। विराट ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में पहला टेस्ट मैच खेला था। कोहली को 2012 में भारतीय वनडे टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया। उस समय विराट कई बार महेंद्र सिंह धोनी की अनुपस्थित में टीम की बागडोर संभालते थे। धोनी के 2014 में टेस्ट से संन्यास लेने के बाद कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई। क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक, वनडे में सबसे तेज 5000 रन और सबसे तेज 10 वनडे शतक बनाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम है। वे विश्व में अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 साल तक वनडे क्रिकेट में 1000 या उससे भी ज्यादा रन बनाए हैं। वे 2015 में T20 में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली को 2012 में ICC ने प्लेयर ऑफ द ईयर और BCCI ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना था। उन्हें 2013 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, यह थी अनुष्का के पति विराट कोहली के जीवन की कहानी। आप बने रहें YRY18 के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।